नमस्ते इंडिया, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक पीके कार्ड रीडिंग, जो कि है मुझे रात में नींद क्यों नहीं आती। मैं बहुत प्यारी नींद लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे मेरा जो नींद है बहुत प्यारा है, और मुझे रात में बहुत अच्छे से सोना है, तो इसके ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। वैसे लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों का कर्मा का रीडिंग किया था, और इतना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रीडिंग था, और मैं तब सोच रही थी आपको रात में नींद आती है या नहीं। तो अभी हम देखेंगे कि हमको रात में नींद किस तरह से आ सकती है, और हम ऐसे क्या क्या सोच रखें, ऐसे क्या करें जिससे हमें रात में अच्छी सी नींद आ जाए, तो अगले दिन हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। अगले दिन का चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको फेस करने के लिए हम स्ट्रांग रहेंगे। तो आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। आज पहली पाइल में है हमारे पास मिस्टर फॉक्स, और यहाँ पर हमारे पास दूसरे पाइल में है मिस्टर क्लाउड, और हमारे तीसरे पाइल में है मिस एग। सो ये है लोमड़ी, बादल और अंडा। तो इन तीनों में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम टैरो रीडिंग आपके लिए शुरू करते हैं। सो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 मिस्टर फॉक्स को चूज़ किया है, उसके ऊपर अभी हम रीडिंग करने वाले हैं। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए। आपको किसी तरह का कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा वेट नहीं कराती, उनका रीडिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देती हूँ। सो कार्ड से बता रहे हैं कि राइट नाउ आपके दिल पे ये अलग बात है कि आपके लाइफ में राइट नाउ चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस को लेके आप थोड़े सोच रहे हैं। आपको थोड़ा लाइक फील हो रहा है दिल के अंदर कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। एंड पर्टिकुलरली आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स है कि मैं शांत रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये चीज़ें मेरे लाइफ में हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। एंड ये जो भी चीज़ें आपके आसपास है, एंड आप लाइक बहुत ही थोड़े भोकलाए हुए हैं, ये क्यों हो रहे हैं। द फैक्ट इज अभी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, सबके लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपको लेके चेंजेस एक्सेप्ट करना चाहिए। और आज क्या है जो मैं छोड़ दूँ और उस चीज़ को अपने साथ लाइफ में आगे ना लेके जाऊँ आपकी अच्छी नींद आने के लिए। सो, आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको वो चीज़ करना चाहिए जिसमें आपका दिल लगता है। आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो दुनिया को बताना चाहिए। अब तक आपने जो दिल में लाइक दबाए रखा है कि मेरी जो क्रिएटिविटी है, जिस जो भी आपका टैलेंट है, वो आप दुनिया को नहीं बताना चाह रहे, और वो आपके दिल में ही आप दबा के हैं, और आप अपना क्रिएटिविटी सीक्रेट में रखें। तो आपको वो फीलिंग लेट गो करना होगा, मतलब उस फीलिंग को जाने देना होगा कि दुनिया को नहीं बताना है आपका टैलेंट। इन शॉर्ट, आप अपना टैलेंट दुनिया को बताइए और दुनिया के साथ शेयर कीजिए, तो आपको थोड़ी सी मन शांति मिलेगी। एंड अगर दुनिया में लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं ना, लेकिन आपने एक बार ट्राई किया कि दुनिया को ये बताया कि आपका टैलेंट क्या है, ये ज़रूरी है। और ऐसा क्या एनर्जी है जो मुझे हेल्प करेगा कि मैं अपने लाइफ में ग्रो कर सकूं, वो है कि आप अपने टैलेंट से, आपका टैलेंट सच में बहुत अच्छा है, इसका मतलब जो आप अपने टैलेंट से जो भी कमाएंगे वो दुनिया के साथ जब आप शेयर करेंगे तो दुनिया भी ये देखेगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, इसको भी हमें करना चाहिए। एंड ऐसा क्या सोच मुझे रखना चाहिए कि सोने से पहले ऐसा क्या सोच रखें कि मुझे नींद आ सके। तो कार्ड से बता रहा है कि जो सोसाइटी का सोच है, या फिर आप जहाँ के भी इंडस्ट्री में रहते हैं, वहाँ का सोच उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता जितना आपकी मनो शांति रखती है।
तो वो सोच दिल में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो कीजिए जो आपको करना है। द फैक्ट इज़ आपको रात में नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आप वो नहीं करते जो आपको करना है। एंड सो कार्ड्स ये भी डेफिनेटली बता रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि देखो आप सेटिस्फाई हो जो कुछ भी आपके पास है और ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपके आसपास जो कुछ भी है इट्स मोर देन इनफ कि आप अपना सर्वाइवल कर सके, अपना टैलेंट दिखा सके। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, लेकिन दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताना चाह रहा है। और जो मैसेज आपको ड्रीम में मिल रहे हैं, जो भी ड्रीम आप देख रहे हो, उसमें ये आ रहा है कि आपके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है जो बार बार आपसे सवाल पूछता है और वो जवाब जानना चाहता है। द फैक्ट इज़ वो सवाल क्यों है, किस लिए है और किस वजह से है ये जानना ज़रूरी है। और वो सवाल को देखो कि वो क्या सवाल है। और जो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट जो आपके दिल और दिमाग में चलता रहता है, इससे आपको क्या मिलेगा, इस नतीजे पे आपको पहुंचना है। चाहे वो इनर कॉन्फ्लिक्ट चाहे किसी भी चीज़ का हो, एक नतीजे पे आपको पहुंचना ही होगा। अगर इस नतीजे पे आप नहीं पहुंचे तो इनर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा। इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को अल्पविराम आपको देना होगा। एंड ऐसा क्या करे फाइनली जिससे आपको रात में नींद आ जाए। तो जो भी आपका लिमिट बिलीफ है वो लेते हुए, जो भी आप करना चाहते हैं उसको लेते हुए प्ले सेफ कीजिए। अपने आप को सेफ रखते हुए कुछ ऐसे डिसीजन लीजिए जो आपके फेवर में हो, और फिर उसको लेते हुए आप कुछ प्लान्स बनाइए, फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और तब जब आपको आपको मन शांति मिलेगी, तब आपको ये पता चलेगा कि ये जो कुछ भी आप सोच रहे थे, आपके जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये ऐसे ही थे। आपने अपना ड्रीम फॉलो नहीं किया, फिर सोसाइटी की बात सोचने लगे, फिर बहुत सारे बातें सोचने लगे, और फिर ये आपके दिल के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को अल्प विराम देने के लिए आपको थोड़ा सा प्ले सेफ कीजिए, चीज़ों को लीजिए और जो करना है वो कीजिए। और अगर आपको कुछ बाउंड्रीज रखनी है से प्ले सेफ करने के लिए और दूसरे लोग ताने ना मारे इस बात के लिए, तो एक तरीके से प्ले सेफ कीजिए और जो भी आपको करना है वो कीजिए। फिर आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा तब जाके आपको आराम से नींद आ जाएगा। और अंततः नींद आपको कैसे आएगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट को जाने दो, इन शॉर्ट। और यहाँ हमारे पास है ब्रेकिंग आउट ऑफ पैटर्न। जो आपने जो इनर कॉन्फ्लिक्ट जो सोच आसपास के लोग एंड ये सब बना रखे हैं, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एंड जो आपका टैलेंट है जो आप नहीं कर पा रहे, जो एक तरीके का पैटर्न आपने बना रखा है, इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए प्ले सेफ कीजिए। वाह, यही यही बात था, प्ले सेफ कीजिए और देखिए आप कहाँ तक जाएंगे। जब तक आपका प्ले सेफ मोड खत्म हो जाए गो ऑल आउट। हाँ, एंड करेज फेस द पेन। चाहे आपके दिल में कोई भी बात हो और जो प्ले सेफ करते करते आप पूरी तरह से ऑल आउट होके वो काम करेंगे, उसके लिए थोड़ा करेज की ज़रूरत है। एंड जो कुछ भी वो करेज के बाद में आपको जो भी पेन मिलेगा, ये याद रखना कि आपके मन शांति के लिए आप ये कर रहे हैं, और आप कीजिए और अंततः आपको एक रिजल्ट मिलेगा। एंड मन शांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सबके लिए, पीस ऑफ माइंड भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सब करने के बाद में आपको रात में नींद आ जाएगी। एंड ये रीडिंग आपको कितना हेल्प करा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए। अगर आपको मुझसे किस तरह का कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं। जिन लोगों ने भी क्लाउड को चूज़ किया, हम उनके लिए अभी टैरो रीडिंग करने वाले हैं। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए। अगर आपको किसी तरह का कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा वेट नहीं कराती, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं उनका रीडिंग कर देती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आपका पर्सनल रीडिंग, आई मीन टैरो रीडिंग।
जो कि जर्नल रीडिंग, इट्स नॉट ए पर्सनल रीडिंग, दैट्स फॉर श्योर। सो यहाँ पे है हमारे पास, आपके दिल में ऐसी क्या बात है जो बहुत ही ज़्यादा दिल में घर कर गई। ओके, इसके ऊपर नज़र डालेंगे। जो ये आपका नया प्रोजेक्ट है जो आप सोच रहे हो, आई थिंक आप जॉब से रिलेटेड थॉट्स आपके दिमाग में कि आपको जॉब आएगा नहीं आएगा। वैसे अभी आगे टैरो रीडिंग में देखते हैं कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड द कार्ड्स ये डेफिनेटली बता रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो जो भी प्रोजेक्ट्स है आप उसको लेके श्योर नहीं है कि क्या मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा तो या करूँगी तो मुझे तरक्की मिलेगी नहीं मिलेगी। बट आपके दिमाग में ये है कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा तो मैं इसको फुल 100% दे के इससे मैं बहुत तरक्की करना चाहूँगा या चाहूँगी। एंड तो एक्चुअली आपके दिमाग में ऐसा क्या है जिसको आप लेट गो करके इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे तो बेहतर होगा। द फैक्ट इज आपके दिमाग में थोड़ा फैमिली भी चल रहा है, मैं कैसे इनको देखूँ नहीं देखूँ। तो आप अपना जो भी थॉट प्रोसेस है वो आपके करियर की तरफ रख रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि अगर मैं अपने करियर के ऊपर ध्यान दूंगा या दूंगी, इसके अंदर ही अपना जो भी है सोच डालूंगा तो क्या मुझे तरक्की मिलेगी। सो आगे बढ़ते हुए तो ऐसा क्या एनर्जी राइट नाउ मैं रखूँ जिससे मैं अपनी तरक्की कर पाऊँ? ऐसा क्या चीज़ जो हेल्प करेगा कि मैं अपनी तरक्की कर पाऊँ? इस सवाल को देखते हुए आगे हम रीडिंग करेंगे। तो कार्ड ये बोल रहा है कि उन चीज़ों की तरफ आप ना देखो तो बेहतर होगा जिसको आपने लॉसेस में आपने चीज़ें किए हैं, जो लॉसेस है आपके लाइफ में उनकी तरफ ना देखें तो ही बेहतर होगा। कार्ड्स बोल रहे हैं आप उनके तरफ देखिए जिससे आपको तरक्की मिल सकती है, तरक्की की तरफ देखिए, सो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ऐसा क्या सोच है जिसको मैं रखने से रात में मुझे नींद आ सकती है? तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप वो सोच के ऊपर ध्यान दीजिए जहाँ पे आप मेहनत करें और आपको तरक्की मिली, और ये तरक्की चाहे आपने कैसे भी हासिल की हो ना, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अगर आपको जॉब चाहिए तो वो भी एक टाइप ऑफ लव एंड वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन है। तो आपने किसी भी तरीके से आपने अपनी तरक्की पाई हो वो देखते हुए आपने जैसे भी आपका अचीवमेंट है इस पे ध्यान दीजिए। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको ये मैसेज दे रहा है, देखिए आपके पास जो इतने ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए, या जॉब रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है आपके रीडिंग में मिस्टर क्लाउड, जो जिन लोगों ने भी मिस्टर क्लाउड को चूज़ किया, तो आपके जो रीडिंग में ज़्यादा जॉब से रिलेटेड दिख रहा है, करियर रिलेटेड दिख रहा है, जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उसको आपको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके लाइफ में। और जो कुछ भी मैसेज आपके ड्रीम से आपको आ रहा है आप उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाइए, क्योंकि वो बहुत कुछ आपसे कहना चाह रहा है। एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जो आपको आइडियाज़ दे रहा है वो ऐसे वैसे आइडियाज़ नहीं हैं, वो सच में बहुत ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ है आपके लाइफ को बहुत बेहतर करने के लिए। और सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि जब मैं आराम से जैसे बच्चे सोते हैं वैसे सो पाऊँ, इनफैक्ट रीडिंग उसकी हो रही थी। तो कार्ड्स ये डेफिनेटली जता रहे हैं कि द फैक्ट इज़ आप दूसरों को अलाउ कर रहे हैं कि आप पे डोमिनेशन कर पाए, मतलब दूसरे जो इंसान है आपके ऊपर सत्ता कर पा रहे हैं इस तरह से। ऐसे ये है मिस्टर क्लाउड, इसके ऊपर मैंने इतना सत्ता कर लिया, कुछ इस तरह से लोग आप पे लाइक सत्ता कर रहे हैं और वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। वो आपको ये जताना है कि देखिए मेरा खुद का भी पर्सनल स्पेस है, आप मेरे पर्सनल स्पेस पे ऐसे नहीं आ सकते।
एंड जो लोग दूसरे लोग आपके ऊपर डोमिनेशन दिखा रहे हैं, आप उनको थोड़ा रफा दफा कीजिए। इनफैक्ट मेन चीज़ यही है कि आपको दूसरे लोग आपके इस पर्सनल स्पेस में इंटर कर रहे हैं, इसलिए वो आपके दिमाग में हैं ज़्यादा, आप वो सोचते हैं। सोने के टाइम में भी ज़्यादातर यही चीज़ें चलती है आपके दिमाग में, सो दैट इज़ द रीज़न आपको रात में नींद नहीं आती। थोड़ा आप भी उनको बोलिए क्योंकि सही नहीं होगा, क्योंकि आपका लाइफ है एंड वी आई सी आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने वाले इंसान हैं। जो इंसान मेहनत करता है तरक्की पाने के बारे में सोचता है, तो वो लोग कुछ नेगेटिव लोगों को भी अट्रैक्ट करता है। आपका पूरा रीडिंग में करियर थॉट्स आ रहे हैं, आपको करियर आइडियाज़ आ रहे हैं आपको। ऑब्वियसली दूसरे लोग भी ये देख पा रहे हैं कि इसके पास जो कुछ भी है कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। तो आप आगे बढ़ने वालों में से हैं, वो एडवर्टाइजमेंट है ना, हम आगे बढ़ने वालों में से हैं सिद्ध, तो आप वो सिद्ध हो जो आगे बढ़ने वालों में से हैं। तो आप आगे बढ़िए, जो सत्ता आप पे करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा दूर रखिए। एंड हियर वी हैव एम्बार्क न्यू करियर ऑब्वियसली फिर से। सो जैसे ये छोटा पत्ता है यहाँ, अब यहाँ पे हमारे पास है बड़ा पत्ता। आप ये छोटे से बड़े पत्ते की तरफ आप जा रहे हैं, आपका करियर आप लेके जाएगा, जो आइडियाज़ आपको आएंगे वो आपको इतनी उन्नति के ऊपर लेके जाएगा। तो आप ये उन्नति ज़्यादा बेहतर है देन कंपेयर टू अदर थिंग्स। सो जो आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं वो ऐसा वैसा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ओरेकल कार्ड है न्यू करियर क्लियरली इसमें बताया गया है। तो आप सच में एक बहुत ही अच्छा करियर आपके लाइफ में आप लाने वाले हैं। वाह, सी क्लियर वर्ड्स में ये ओरेकल कार्ड आपको कह रहा है कि व्हाट कैन ऑफ पीपल आई एम एंगेजिंग टू। देखिए कार्ड्स भी डेफिनेटली पूरे वर्ड्स में, हमने पूरा टैरो रीडिंग कर लिया और ये डायरेक्ट वर्ड में आपको कह दिया कि व्हाट कैन ऑफ पीपल आई एम एंगेजिंग टू। तो ऐसे लोगों से आप दूर रखिए, दूर रहिए, अपने आप से मतलब दूर रखिए उन लोगों को जो आप पे सत्ता करना चाहते हैं, आपको लाइक डोमिनेट करना चाहते हैं। इनसे आप थोड़ा दूर रहिए, इनसे बातचीत करना कम करिए, अपने सर्कल को बेहतर लोगों से आप जोड़ दीजिए, आपका लाइफ बेहतर हो जाएगा, रात में अच्छी नींद आना शुरू होगी। सो ये था रीडिंग जो लोग ने मिस्टर क्लाउड को चूज़ किया। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए। आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा वेट नहीं कराती, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं उनका पर्सनल रीडिंग कर देती हूँ। सो डेफिनेटली मुझसे पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली ले लीजिएगा। अभी हम रीडिंग शुरू करने वाले हैं। जिन लोगों ने भी अंडा चूज़ किया, मिस एग को चूज़ किया, हम उनके लिए रीडिंग शुरू करने वाले हैं। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए। एंड आप मेरे पहले ही सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को हेल्प हो जाएगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा वेट नहीं कराती, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं उनका रीडिंग कर देती हूँ। तो राइट नाउ अभी हम देखते हैं आपको रात में नींद क्यों नहीं आती और पूरे छोटे से छोटे सारी जानकारी अभी हम ले लेंगे। आपके दिल में ऐसा क्या है दर्द जो आप फील कर रहे हैं, द मेन पेन जो आप फील कर रहे हैं, इसके ऊपर अभी हम बात कर लेंगे। रीडिंग ये बता रही है कि आप आपके अंदर आप फील कर रहे हैं, ना कि बाहर जो सोसाइटी में है या आसपास का एयर एनर्जी इन सब में आप चेंजेस फील नहीं कर रही हैं, बट आपके बॉडी के अंदर आप चेंजेस फील कर रहे हैं, आपके अंदरूनी चीज़ें बदल रही है, या फिर आपका चक्रा बैलेंस हो सकता है, या फिर चक्रा जो आप ज़्यादा सोचते सोचते थोड़ा इनबैलेंस की तरफ जा रहा है। तो आप अंदर से अंदरूनी चेंजेस महसूस कर रहे हैं। सो आपका बॉडी को सुनना होगा, एक्चुअली आपकी बॉडी क्या कहना चाह रही है, क्या आपको नींद आ रही है तो आपको नींद ले लेनी चाहिए। अगर आप फील कर रहे हैं कि अभी मुझे अकेले रहना है तो आपको अकेले रहना चाहिए, कुछ इस तरह से लाइक थॉट्स हैं यहाँ पे, तो आप अपने बॉडी की बात सुनिए, क्योंकि आपको अंदरूनी चेंजेस आ रहे हैं। ये एक और चीज़ है जिसके वजह से आप रात में ढंग से सो नहीं पा रही हैं।
जो आपकी एनर्जी है, आपके पास आइडियाज़ है, एक नए तरीके से जो आप बदल रहे हैं, इसको लेते हुए जो जो भी आप तरीके से आप बदलाव महसूस कर रही हैं उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और आज मुझे क्या चीज़ जो है मुझे छोड़ देनी चाहिए, फिर इसके तरफ नहीं देखनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर अभी हम नज़र डालते हैं। तो कार्ड से कह रहे हैं कि आप अपने वर्क, अगर आप करियर वूमेन हैं, आपका काम और जो आप घर में आके फिर घर को भी संभालती हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से आप कर पा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए, क्योंकि आपकी अंदरूनी जो बातें हैं वो बदल रही हैं, आप पहले जैसे नहीं रही, तो नहीं या रहा बोथ ऑन द बोथ साइड। एंड कार्ड से डेफिनेटली कह रहे हैं कि अगर आप मैन हो, आप थोड़ा शराब ज़्यादा पीते हो, तो उस पर थोड़ी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अब जब अंदरूनी जो बदलाव आ रहे हैं आपके बॉडी के अंदर, तो अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं तो वो आपको एक अलग तरीके से अफेक्ट कर सकती है। अगर आप 2 पैक या 3 पैक लगाते हैं तो उसके जगह सिर्फ 1 पैक लगाइए, और उसी को 1 पैक ही कुछ इस तरह से लीजिए जैसे कि उसी से आपको शांति मिले, जैसे कि एक घूंट लो तो एन्जॉय दैट वन घूंट ऑफ योर पैक। एनीवेज, जो मैं कहना चाहती थी कह दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसे बेहतर नहीं समझा सकती। सो आप फैमिली हो या घर की बात हो या फिर जॉब रिलेटेड चीज़ें, आप उसको एक तरीके से संभालते हुए जाइए। कुछ चेंजेस होने वाले हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ चीज़ें जो लेट गो करनी चाहिए उसे लेट गो कर दीजिए। और आज ऐसा क्या है जो आपको अपनाना चाहिए जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सके? आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे एक कदम आगे रखते हुए आप आगे बढ़े, पहले चाहे 5 कदम आप रख के आगे बढ़ते हो, तो अभी आप 5 कदम की जगह 4 कदम रख के आगे बढ़े। तो जो भी आप कदम रखते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़िए। स्लो प्रोसेस में हो सके तो करिए, लेकिन एक तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को रोकेगा नहीं। आज ऐसा मैं ऐसा क्या विजडम में आज ले सकूं जिससे मुझे रात में अच्छी खासी नींद आ सके, तो उस पे नज़र डालते हैं। तो कार्ड से बता रहे हैं कि आप पास्ट में जो कुछ भी आपने किया या कोई गलती भी की हो, वो बातें आप ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ करते हुए ही इंसान आगे बढ़ता है, तो उन गलतियों को एक गलती समझ के अपने आप को माफ़ कर दो और जाने दो। उतना ज़्यादा उन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर नज़र डालते हैं। अगर आप राइट नाउ थोड़ा सा अपने आपको पॉज देना चाहते हो, सबकॉन्शियस माइंड आपसे कह रहा है अगर आप अपने आप को राइट नाउ पॉज देना चाहते हो, थोड़ा सा रुक के फिर आगे बढ़ना चाहते हो, आप ये कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अपना करिए, क्योंकि ये आपका बॉडी है, क्योंकि आपका बॉडी एक तरीके से आपसे बात कर रहा है। तो अंदरूनी जो चेंजेस आ रहे हैं उससे अगर आप पॉज लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए पॉज लीजिए या 5 मिनट रुक जाइए। जैसे कि बॉडी कह रहा है अभी मुझे नींद चाहिए, तो 5 मिनट का पावर नैप दे दीजिए। तो उस तरह से आप देते हुए आप आगे अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको आपका जो थॉट्स हैं, ड्रीम्स हैं, और जिस तरीके से आपको, अगर किस तरह के कोई थॉट्स आ रहे हैं कि अगर मैं कुछ ऐसे करूं, अपने बेटे को मेरे चीज़ में इन्वॉल्व कर लूं, या अपनी बेटी को मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व कर लूं, या फिर जो कुछ भी मैं करती हूं किसी का सहायता लेके करूं, या फिर फैमिली मेम्बर्स किसी का भी सहायता लेके करते हुए मैं आगे बढ़ूँ, तो आपको ये डेफिनेटली ले लेना चाहिए। ये एक तरीके से आपको, इनकी मदद लेते हुए आप अपना काम भी कर सकते हैं, और फिर एक तरीके से उनको भी काम सिखा सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। एंड ऐसा क्या करें बेहतर चीज़ जिससे आपको रात में बहुत अच्छी सी नींद आए, इसके लिए अभी हम नज़र डालेंगे। कार्ड ये डेफिनेटली बताना चाह रहा है कि आपने एक तरीके का टैग लाइन, एक टैग लेबल लगा रखा है कुछ चीज़ों के ऊपर, और वो चीज़ें आप वैसे ही रखना चाह रहे, लेकिन अभी टाइम आ चुका है उन टैगलाइंस को जाने दो। और आप अच्छी तरह से जानते हो आप क्यों उस चीज़ को टैगलाइन दिए और वो चीज़ अलग है,
तो उसको वैसे ही आप उसको यूज़ करो। एंड कुछ चीज़ों को आप अलग ही रखना चाहते हैं तो रखते हुए आप आगे बढ़िए। क्यों आप उस चीज़ को एक टैगलाइन देना चाहते हैं, तो उस टैगलाइन को आप निकालिए, फेंकिए और अलग तरीके से अपने लाइफ को शुरू कीजिए। डेफिनेटली काजी कह रहा है कि अभी वो टाइम नहीं रहा कि जैसे आप पहले जैसे थे, अभी बदल चुका है चीज़ें। अगर आप यंग हैं तो भी आप एक तरीके से इस रीडिंग को लीजिए, क्योंकि एक अलग तरीके से ये रीडिंग जा रहा है, आपके भी अंदरूनी चेंजेस आ रहे हैं। तो इस बात को डेफिनेटली लेते हुए आप डेफिनेटली देखिएगा। एंड आगे बढ़ते हुए कार्ड ये कहना चाहता है कि हैप्पीनेस, चाहे आप कुछ भी करो, क्या भी करो, अंततः आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस है वही इम्पोर्टेंट है। उसके आपको देखना चाहिए, आपकी खुशी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंड फेलियर इज़ ओनली अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो राइट नाउ आप शायद चेंजेस की वजह से थोड़ी फेलियर्स महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप पॉज ले रहे हैं, देख रहे हैं। तो फेलियर्स होता रहता है लाइफ में, हार जीत चलती रहती है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आप चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपका बॉडी चेंज हो रहा है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, चीज़ें बदल रही है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आसपास के लोग, आपको दूसरों से मदद लेनी चाहिए, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे सब कुछ, आप खुद करना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये वाले सारे रीजन्स है जिसकी वजह से आप जो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह से आपको रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है। एक्चुअली मेन बात ये है, पूरा कंक्लूड करके ये डेफिनेटली दिख रहा है कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो एक्सेप्ट कीजिए तो आपको रात में बहुत ही प्यारी नींद आ जाएगी। सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। अपने मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो भी लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को, हेल्प हो जाएगी मेरी। एंड अगर आपको मुझसे किसी तरह का कोई रीडिंग चाहते हो, डेफिनेटली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा वेट नहीं कर रही थी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनका रीडिंग करती हूँ। एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश होइए, अपने आसपास सफाई रखिए एंड कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।